अस्सलाम वालेकुम, रफी के जायके में आप सभी को खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक नवाबी डिश, घोटवा कबाब कहते हैं उसे, मजलिसी कबाब भी कहते हैं। नवाबों के टाइम खाया जाता था और मसाले भी उनके कुछ जड़ी बूटियों के यूज होते थे, बनाते थे। तो इंशाल्लाह आज हम बताएंगे आपको कि घोटवा कबाब बनाते कैसे है। हमने कीमा ले लिया है, मटन हमारा 1.5 किलो है, उसका कीमा है हमारा, और इसके अंदर करीब करीब 60% और 40% है चर्बी और मटन। 60% कीमा है और 40% चर्बी है, खूब बढ़िया रवाज वाली चर्बी है। तो इंशाल्लाह ये हो गया हमारा मटन। तो अब इसको पहले मैरिनेशन कर लेते हैं, ताकि इसको रख देते हैं, फिर मसाले आपको हम दिखाते हैं। तो एक मीडियम साइज का हमने प्याज का पेस्ट कर लिया है, कच्चा ही, और अदरक लहसुन पेस्ट इस चम्मच से 1 चम्मच, और 1.5 चम्मच हम डाल देंगे दही। अब डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के हम नमक। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। एक चीज इसके अंदर मैं नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि आजकल के प्रोसेस में और पहले कुकिंग में थोड़ा फर्क है। पहले इसके अंदर क्या था, गलौटी डालते थे, ठीक है, यानी कि पपैया पेस्ट, पर हम इसके अंदर पपैया पेस्ट नहीं डालेंगे। ये कुकिंग में अगर फर्स्ट मैरिनेशन आप करते हैं तो बहुत फायदा होता है आपको कुकिंग करने में। तो पहले इसे हम रख देते हैं 1 घंटा के लिए, ये रेस्ट करेगा। तो अब थोड़ा सा हम ऑनियन पेस्ट कर लेते हैं, फ्राई ऑनियन, यानी कि बिरिस्ता का पेस्ट करेंगे, और 1 चम्मच दही, और 3 टेबल स्पून खसखस, और 1 टेबल स्पून भर के गलावटी कबाब का मसाला है। गलावटी कबाब हमारा, देख सकते हैं, टुंडे कबाब भी उसे कहते हैं, टुंडे कबाब के नाम से हमने अपलोड किया है। तो उसके अंदर क्या क्या हमने यूज किया है जड़ी बूटी, वो सारी चीजें हमने उसके अंदर दिखाया है। तो वही 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने डाल दिया है। 1 मुट्ठी काजू, अब इसे पीस लेते हैं। तो गाइस, अब स्टार्ट कर देते हैं। तो घी, 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। अब हम तो घी में बना रहे हैं, क्योंकि पहले के टाइम जो था कुकिंग, कोई भी करते थे घी या तो फिर सरसों का तेल हमारे साइड ज्यादा खाते थे, ठीक है, कच्चे सरसों के तेल को भी चटनी में या भरते में लोग खाते थे। तो इस तरह से शुद्ध खाना था लोगों का पहले, और अब तो क्या है, आसान चाहिए और दूसरी चीज की सस्ता होना चाहिए, सेहत खराब हो तो आंदा नहीं, ठीक है। तो हमने घी डाल दिया है, आप चाहे तो तेल में बनाए, कोई दिक्कत नहीं। और घी के बाद डायरेक्ट आपको कीमा डाल देना है। अब ये है घोटवा कबाब, ठीक है, लोग नान से रोटी से खाते थे। नान जो है, आज जैसे हम तंदूर रोटी कहते हैं, उसी को पहले नान कहते थे, ठीक है, आज भी हमारे साइड उसे नान कहते हैं। फिर उसी पर लोग, अब होटलों में कैसे होते हैं, थोड़े से चोचले होते हैं, तो वो नान और बटर नान का एक ऑप्शन डाल दिया है कि मैदे का है तो नान है, ठीक है, लेकिन नान मतलब तंदूर में बना है वो सब नान है। घोटवा कबाब जो है, इसके अंदर आप खड़े गर्म मसाले जब ऐड कर दोगे और रोटी से जब बाइट बना के और मुंह में डालोगे ने वाला, तो जब उसके अंदर खड़े गर्म मसाले आएंगे तो फिर वो आपको कबाब का मजा नहीं मिलेगा, कीमा का मजा मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसके अंदर कोई भी गर्म मसाला खड़ा नहीं डाला है, जो डालूंगा वो पिसा हुआ। तो वह थोड़ा सा ढक्कन मार के और छोड़ देते हैं, आराम से पकेगा। बाकी मसाले हम डाल देते हैं, इलायची और जावित्री पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून देगी मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, काजू बिरिस्ता, और खसखस का जो हमने पेस्ट किया था दही के साथ, उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके साथ भी पका लेंगे।
और कुछ मसाले और डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून जितना लेमन, सॉल्ट थोड़ा हम और डालेंगे, पहले कम ही डाला था। 2 टेबल स्पून जितना भर के केवड़ा वाटर डालेंगे, उसके बाद फिर से इसको मिलाएंगे और पकाएंगे। अब हमने तो खाली केवड़ा डाला है, पहले मीठा अतर बहुत ज्यादा यूज होता था और आज भी लखनऊ में हमारे यूज होता है, ऐसी बात नहीं है। अब थोड़ी एक 5 मिनट के लिए हम और बंद कर देंगे इसको और गैस स्लो कर देंगे। तो गैस अब थोड़ा इसको हम दम मार देंगे। ये देखो तेल पूरी तरह से आ गया है ऊपर और कटोरी गया हमारा अंदर। थोड़ा सा घी डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने कोलसे का जो दम लगा दिया है, इसके वजह से आपको कबाब का फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। पहले जब कीमा मशीन भी नहीं था तब लोग हाथ से कूट के इस तरह कबाब बना के खाते थे। कबाबों के जमाने में कबाब खाने का तरीका इस तरह था, ये है गलौटी कबाब है, शामी कबाब है, ठीक है, इस तरह से वो लोग कबाब खाते थे और सब गलौटी डाल के ही बनाते थे। और आप इसे बना के एक बार ट्राई करेंगे अगर हमारे स्टाइल में, तो कहता हूं ना कि आप एक आम कबाब को खाना भूल जाएंगे, इतना जोरदार होता है। कीमा का मजा लो और कबाब का भी मजा लो। तो घोटवा कबाब हमारा रेडी है और रेसिपी भी एकदम सिंपल है। हमारा जो बनाने का तरीका है और आप लोगों को जो हम दिखाते हैं वीडियो में, वो इतना सिंपल और इतना आसान करके बताते हैं कि आप लोग बनाए घर पे या होटल में बनाए। इस तरह से रोगनी नान बनाइए और हाय 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 इतना सॉफ्ट, ठीक है। तो गाइस अब भैया हम एक बाइट ले ही लेंगे। गाइस कसम से एक बार ट्राई जरूर करना, आपको कबाब बनाने से बेहतर इसे आप बना के और खाइए, कबाब का मजा लीजिए। और रोगनी नान का भी हमने रेसिपी डाला है, आप देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।